हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो होने वाला है टेक की दुनिया से कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो कि यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको बता देते हैं, सबसे पहले ये है रेडमी नोट 7 प्रो की प्राइस के बारे में। रेडमी नोट 7 प्रो की प्राइस रिवील हो गई है और ऐसा लग रहा है कि वो चाइना मार्केट में तकरीबन 15,000 से शुरू होगा और जाएगा तकरीबन 18,000 तक। तो यहां पे आप मान लो अगर वहां पे 15 से शुरू होगा तो यहां पे वो 16 से शुरू होगा और वो जाएगा तकरीबन 20 तक इंडिया में, अगर वहां पे 18 तक जा रहा है तो कुछ इस तरह से Redmi Note 7 Pro की प्राइस होने वाली है। और Redmi Note 7 Pro और साथ ही साथ Redmi का एक Redmi Go फोन, यानी कि पहला Android Go फोन जो है आने वाला है। और ये Android Go सीरीज का फोन बेसिकली वो वाला फोन होता है जो कि अभी तक Micromax, Zolo वगैरह निकाल चुके हैं जो कि उनके फेलियर रहे। और यहां पे जो गूगल की तरफ से एंड्रॉइड गो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि लाइट वेट होता है, जो 1GB रैम के साथ चल जाता है, 8GB इंटरनल स्टोरेज के फोन के साथ चल जाता है, वैसा ही कुछ फोन लॉन्च होने वाला है Xiaomi की तरफ से। और मुझे लगता है कि गूगल का ये लास्ट अटेम्प्ट है एंड्रॉइड गो को बचाने का, क्योंकि बाकी जो फोन लॉन्च हुए हैं वो तो बेकार फेल ही हो गए हैं। तो और इसका नाम होगा Redmi Go। और Redmi Note 7, Note 7 Pro ये भी फोन लॉन्च होंगे। और ये तीनों फोन जो है, जो मैं बता रहा हूं, ये मार्च के फर्स्ट वीक तक लॉन्च हो जाने चाहिए। हो सकता है फरवरी में आपको एक आध फोन इन तीनों में से देखने को मिल जाए। हालांकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि Xiaomi यहां पे प्राइस सही रखेगा। Redmi Note 7 की प्राइस तो कम से कम तरीके से रखी जाएगी, Note 7 Pro को थोड़ा महंगा किया जाएगा क्योंकि उसमें आपको Sony का 586 वाला सेंसर मिलेगा। फिलहाल Honor View 20 के अंदर आ रहा है जो कि एक महंगा फोन है, तो ऐसे में आप सोच लो कि Redmi Note 7 Pro थोड़ा महंगा होने वाला है। बाकी पता चलेगा, आप लोग बताओ कि आप लोगों के क्या ओपिनियन है कि WhatsApp की तरफ से यहां पे ग्लोबल तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई जाने वाली है, जिसके अंदर WhatsApp के अंदर एक बार में आप 5 ही मैसेजेस को फॉरवर्ड कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आई थिंक इसमें कुछ लिमिट रहेगी कुछ घंटे की, तो कुछ घंटे के बाद आप बाकी के 5 मैसेजेस और फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये इसीलिए लगाई है ताकि गलत इस्तेमाल ना हो और फेक न्यूज वगैरह जो है WhatsApp के थ्रू स्प्रेड ना हो, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो उस बारे में, इसलिए WhatsApp ने ये जो रूल है लेके आए हैं। यहाँ पे जो Redmi CEO लू वीबिंग, उन्होंने बेसिकली, हमने फोन को यहाँ पे जो है गिरा के देखा है और उन्होंने बेसिकली एक कूड़े के डब्बे में उसे टेप से बांध बूंद के यहाँ पे फोन को जो फेंका है स्टेयर से ऊपर से नीचे तक, तकरीबन 2.7 मीटर की हाइट से उन्होंने नीचे गिरा है और 18 स्टेयर्स तक नीचे तक वो आया है और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, डिस्प्ले भी ठीक है। तो ये बेसिकली बार बार Xiaomi की तरफ से चाइना में ये हो रहा है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि Redmi Note 7 में देखो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, और जो कि हमारे फ़ोन में आज तक कभी नहीं आया, तो इस बार आ रहा है, तो देख लो और जान लो कि कितना स्ट्रांग फ़ोन है। बाकी हम यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट करेंगे तब पता चलेगी असलियत, तब आएगा दूध का दूध पानी का पानी। एक और टेस्ट हुआ है Redmi Note 7 जिसमें एक भाई साहब है, मतलब पता नहीं क्या हो जाते हैं इन चाइनीज को, कई बार ये लोग पागल से हो जाते हैं। तो ये भाई साहब ने बेसिकली क्या कहा है कि भाई मैं Redmi Note 7 लूंगा, उसमें स्केट वाले व्हील लगाऊंगा और उसे स्केट करूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने स्केट करने की पूरी कोशिश की है लेकिन वो ठीक से कर नहीं पाए। उसके हिसाब से वो ये कहना चाह रहे हैं कि Redmi Note 7 का डिस्प्ले इतना बढ़िया है कि देखो उसका वेट भी ले लिया और साथ ही साथ डिस्प्ले टूटा भी नहीं। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह का बेहतर टेस्ट इसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पे डिस्प्ले एक्चुअली में नहीं टूटा, यानी कि Gorilla Glass एक्चुअली में है, Gorilla Glass 5 एक्चुअली में है, और Gorilla Glass 5 एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्रेशर जो है ले सकता है टूटने से पहले, और इसी वजह से वो नहीं टूटा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर टेस्ट है कम से कम, लेकिन थोड़ा सा पागलपन भी है इस टेस्ट में। इसके बाद जो अगली खबर है वो है यहाँ पे किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि आपको गूगल मैप यूज करने देती है। GPS एप्लीकेशन है, GPS नेविगेशन वाली एप्लीकेशन जो कि स्पैम एप्लीकेशन है। बेसिकली वो क्या करते हैं, गूगल का API यूज करके वेब ब्राउजर के फॉर्म में गूगल मैप्स को खोल देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐप को डाउनलोड भी कर लेते हैं, जबकि गूगल मैप तो ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पे मिल रहा है, तो और फोन्स में तो आई थिंक प्रीलोडेड आता है। एंड्रॉइड फोन में ज्यादातर फोन में आई थिंक 99.9% फोन में गूगल मैप प्रीलोडेड आता है एंड्रॉइड फोन में, लेकिन फिर भी लोग ये एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड कर रहे हैं। आप सोचेंगे क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भाई साहब जो चाइना में रहते हैं, हो सकता है वो लोग डाउनलोड करते होंगे GPS नेविगेशन की एप्स, या फिर कोई और तरीके से कुछ होता होगा, आई डोंट नो। जो लोग एक्चुअली में फोन में गूगल मैप्स हैं उसके बाद उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं और फिर भी GPS की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उनका मैं क्या ही कह सकता हूं, मतलब पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। 50 मिलियन डाउनलोड हैं इस तरह की एप्लीकेशन की। अब प्रॉब्लम यह है कि एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर है इनमें दुनिया भर के ऐड है,
और स्पैम है, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा भी स्टील कर सकती हैं, आपको नुकसान भी जा सकती हैं, और बाकी एड वगैरह दिखा के पैसा तो वो बना ही रहे हैं और बस गूगल मैप्स ही खोल देते हैं उसमें, वो और कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटाया जा रहा है। अगली खबर क्या है भाई? अगली खबर है मोटोरोला की तरफ से मोटो G7 प्ले, इसको मेरा फोन ही बंद नहीं होता बार बार, मोटोरोला की तरफ से मोटो G7 प्ले जो है स्पॉट किया गया है और ये नॉच के डिस्प्ले के साथ दिख रहा है यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिलने वाले हैं पीछे की तरफ, अगर इन लीक्स को हम भरोसा करें तो यहाँ पे आपकी जो लुक एंड फील है वो फोन की वैसे ही रहने वाली है। ऐसा क्यों पता नहीं, शायद मोटोरोला कभी नहीं सुधरेगा, तो वो अभी भी मोटो G7 प्ले स्नैपड्रैगन 625 के साथ आएगा। अगर ऐसा आएगा तो मैं तो कह रहा हूँ उस फोन को देखना ही मत, दूर रहना उससे, कुछ खास नहीं दिख रहा है इस फोन के अंदर। सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगी आपको, ऊपर की तरफ ईयरपीस मिल जाएगा, बाकी फोन जैसा सादा सा होता है मोटोरोला का वैसा मिल जाएगा और इसमें एंड्रॉयड 9 मिल जाएगा। अगर आपको खुश होना है तो ये सुन के आप खुश हो सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आईफोन 11 की लीक्स हैं यहाँ पे भाई साहब ने, किसी ने तो एक पूरा रेंडर वीडियो बना दिया है, उसमें दिखाया है कि आईफोन के अंदर कैसे आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाले हैं। देखो ये बात सच्ची है कि आईफोन 11 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा मिलेंगे, ये चीज एक्चुअली में आईफोन 10 के टाइम पे रेडी प्रोटोटाइप के फॉर्म में, और यहाँ पे एप्पल में एक इंजीनियर है हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें बताया था लेकिन वो ज्यादा कुछ उनका नाम नहीं ले सकते। खैर फिलहाल ट्रिपल कैमरा पक्का देखने को मिलेंगे आपको आईफोन 11 में, और डिजाइन जो है कुछ इस तरह का यहाँ पे देखा गया है, बताने की कोशिश की गई है कि ऐसा बद्दा सा डिजाइन होगा आपके आईफोन 11 का। मुझे नहीं लगता ऐसा बद्दा सा होगा, एप्पल डिजाइन के मामले में और कंपनी से कहीं ज्यादा बेहतर था, एक है नहीं मतलब था, तो आई होप कि वो उनको उनकी पुरानी आत्मा जागेगी और वो आईफोन 11 का डिजाइन जो है थोड़ा सा बेहतर देंगे आपको, जिससे वो आईफोन 11 ऐसा भद्दा सा ना दिखे जैसा ये वीडियो में दिख रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे सारे अपडेट्स। एक और कोई अपडेट है क्या? अब है आप लोगों के लिए सवाल यह है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 कितना प्रेशर सह सकता है टूटने से पहले, ये जो बताएगा उसको मिलेगा कुछ ना कुछ प्राइस। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 कितना प्रेशर सह सकता है टूटने से पहले। अगर आप कुछ ढंग का सा आंसर दे देंगे जो कि कहीं से वैलिडेट हम कर सकते हैं तो फिर आपको प्राइस पक्का मिलेगा। तो फिलहाल सुमित नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, और प्राइस क्या मिलेगा वो हम नहीं बताएंगे, वो हम बताएंगे तब जब आंसर आपका मिलेगा। तो फिलहाल सुमित नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय, टेक केयर।